नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बिहार विधानसभा में कई समस्याओं को उठाया गया। बिहार के नियोजित शिक्षकों की कई समस्याओं को विधानसभा में उठाया गया, जिसमें 15% वेतन वृद्धि का मामला भी उठाया गया, जिस पर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी सीधा जवाब दिया। बिहार के शिक्षकों का 15% वेतन वृद्धि का ऐलान घोषणा पूर्व में ही किया जा चुका है, जिसका लाभ बिहार के शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से मिलना तय था, लेकिन अब तक उसको लेकर कोई प्रयास नहीं, अब तक प्रयास नहीं किया गया, यानी कि उसका लाभ बिहार के नियोजित शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है। अब तो बिहार के शिक्षक इस बात से भी डरने लगे हैं कि घोषणा का लाभ यानी 15% वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा यह भी न मिल पाएगा, संशय की स्थिति बन गई है। लेकिन सरकारी हवाले से मिली खबर के अनुसार 15% वेतन वृद्धि का लाभ शिक्षकों को मिलेगा। चर्चा कर लेते हैं कि विधानसभा में क्या प्रश्न उठी और उस पर क्या चर्चा हुई। प्रश्न लाया गया कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से मूल वेतन में 15% वेतन वृद्धि करने की घोषणा की गई थी बिहार सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, जो अब तक नहीं मिला है, जिसके जवाब देते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सीधा तौर पर कहा कि इसको लेकर बिहार सरकार शिक्षा विभाग तैयार, लेकिन इसकी प्रस्ताव वित्त विभाग में भेजा गया, लेकिन अभी तक वहां से फाइल वापस नहीं किया गया, प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन बताकर अपने प्रश्न के अपने जवाब को समाप्त कर दिया। आखिर वित्त विभाग से कब वह फाइल वापस आएगा और कब नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिल पाएगा, यह तो तय है कि 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा, लेकिन कब से या मिलेगा या लागू लाभ कब से मिलेगा इसकी कोई बताने के लिए कोई नहीं तैयार है कब मिलेगा। हाँ, हवाले बताया जा रहा है कि कोरोना काल के कारण जो फंडिंग है उसमें कुछ गिरावट आई है, जिसके कारण वित्त विभाग से फिलहाल उस फाइल को वापस नहीं किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग बताती है कि प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया में है, जैसे ही वित्त विभाग से इसका फाइल वापस आता है वैसे ही जिलों को आदेश दिया जाएगा, डीओ डीपीओ को आदेश दिया जाएगा, नियोजित शिक्षकों का पे फिक्सेशन कराया जाएगा और उसके बाद में वेतन का, बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। 2021 के 1 अप्रैल से ही वेतन का लाभ मिलेगा, 15% वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, यानी कि जो भी बकाया रहेगा उसे एरियर के रूप में भी शिक्षकों को भुगतान किया जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ समय के लिए शिक्षकों को इंतजार करना होगा। ऐसी अनुमान यानी सूत्रों का कहना है कि नियोजित शिक्षकों को जो 15% वेतन वृद्धि हुआ है वह सितंबर अक्टूबर से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, फिलहाल अगस्त के दूसरे तीसरे सप्ताह में, अंतिम सप्ताह में कर सकते हैं कि इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी और सितंबर महीने में पे फिक्सेशन का कार्य होगा। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर अगर बिहार में नहीं रहा तो हल्की असर रहेगी, तो निश्चित तौर पर इसको लाभ देने की तैयारी बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि सितंबर अक्टूबर से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर बिहार विधानसभा में प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने मात्र इतना ही कहा कि प्रक्रियाधीन है, आगे कोई और जवाब नहीं आया। दूसरी ओर बिहार के शिक्षकों को लेकर भी तबादला को लेकर कह सकते हैं, तबादला की स्थिति इतना मजाकिया बन गया है जैसे लग रहा है कि चाय से ज्यादा प्याली ही गर्म है, यानी कि चाय पीने की जितना शौक होती है, लालसा होता है और चाय लेकर आए कोई व्यक्ति और दे हाथों में, तो चाय है लेकिन चाय से ज्यादा प्याली गर्म है, और चाय तो आप समझ ही गए होंगे क्या। उसी प्रकार से
इतना ज्यादा सोशल मीडिया या मीडिया बयान देकर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को लगा दिया कि अब तो उनका तबादला होकर ही रहेगा। नियम पर नियम बना दिए गए, लेकिन वही फिर बात हो गई कि चाय से ज्यादा प्याली ही गर्म है। यानी कि अब इस पर कोई विशेष कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन अनुमानों के आधार पर सूत्रों की माने तो अब यह बहाली तबादला तभी हो पाएगा जब तक पंचायत चुनाव और कोरोना का असर खत्म नहीं हो जाता है। यानी कि नवंबर दिसंबर महीने में बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला हो सकेगा, उस पर भी कुछ ही शिक्षकों का तबादला होगा। नियमों के बंधन में इतना बांध दिया गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। निगरानी की जांच जिस पर चल रहा है उनका भी तबादला नहीं हो पाएगा, और जो अनट्रेन है उनका भी तबादला नहीं हो पाएगा। और दूसरी ओर महिला शिक्षिकाओं के लिए वैसे नियम भी लगाए गए हैं कि उनमें भी वरीयता देखी जाएगी, दोनों नियोजन इकाइयों से जांच कराई जाएगी, दोनों जगह अगर सीट भरपाई होते हैं तब जाकर उनका तबादला होगा। कुल मिलाकर 5% शिक्षकों की तबादला होने की आशंका जताई जा रही है। तो 15% वेतन वृद्धि और तबादला को लेकर जो बिहार सरकार ने घोषणा किया वह अब तक लटकता भटकता हुआ नजर ही आ रहा है। इस बीच नियोजित शिक्षकों की भी धड़कने तेज है। करीब 88-89 हजार शिक्षकों के फोल्डर फाइल जमा करने की जो बात थी, बहुत सारे शिक्षकों ने जमा कर दिया, लेकिन 9 हजार के करीब शिक्षकों का फोल्डर फाइल वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। अब उनका अपलोड कैसे होगा इसको लेकर भी विधानसभा में भी आवाज उठाई गई और मांग किया गया कि उनको भी एक बार अपलोड करने का मौका दिया जाए। अब मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर पुनः एडिटिंग का पुनः सुधार करने का भी मौका मिलना चाहिए, यह विधानसभा में बातें उठाई गई है। अब ऐसा लगने लगा है कि जिनका अब तक अपलोड नहीं हुआ है वह उनकी नौकरी नहीं जाएगी और उनको भी फिर दोबारा अपलोड करने का मौका मिलेगा। तो यह कई खबरों के बीच एक अच्छी खबर हमें कह सकते हैं कि फिर से वैसे शिक्षकों का जिनका अपलोड वेब पोर्टल पर नहीं हो पाया है उनको अपलोड करने का मौका मिलेगा। भले ही 15% वेतन वृद्धि फिलहाल न मिले, तबादला न हो, लेकिन ऐसे कुछ शिक्षकों को लाभ इस प्रकार से मिलेगा। वेतन भी कई महीने से लटका हुआ है नियोजित शिक्षकों के लिए और इस तरह से अब तक नहीं मिल पाया है, वो दर दर भटक रहे हैं, अपनी मांगों को मानने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर इसी प्रकार से लटकता रहा तो फिर से आंदोलन का मूड में हो। ऐसे भी एक शिक्षक संगठन के नेता जी ने भी ऐलान भी कर चुका है कि अगर 15% वेतन वृद्धि और शिक्षकों को दोबारा अपलोड करने का मौका नहीं दिया जाता है तो राज्य स्तरीय आंदोलन किया जाएगा, चरणबद्ध ढंग से आंदोलन किया जाएगा। कितना सच्चाई है तो आने वाला समय बताएगा। यानी फिर से शिक्षक सड़कों पर उतरते हैं या फिर उनके साथ इंसाफ होता है। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।